विज्ञान के दौर में विश्व भी भारत की प्रौद्योगिकी का लोहा मानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों की आय को दुगनी करने के विजन से अब केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की हाइड्रोपोनिक तकनीक भी कारगर साबित होगी। काजरी की इस हाइड्रोपोनिक तकनीक के द्वारा अब न सिर्फ किसान बल्कि आम लोग भी अपने घरों की बालकनी और छतों पर बिना मिट्टी और कम पानी खर्च करके सब्जियां उगा सकेंगे। राजस्थान जैसे मरुस्थली क्षेत्र में भीषण गर्मी और शुष्क एटमोस्फेयर में भी पौधे और सब्जियां उगाई जा सकेंगी। इसके लिए पॉली हाउस भी विकसित किया जाएगा। वैज्ञानिक डॉक्टर धीरज सिंह और हाइड्रोपोनिक तकनीक लैब से डॉक्टर प्रभारी प्रदीप कुमार ने एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए विस्तार से काजरी से विकसित हाइड्रोपोनिक तकनीक की जानकारी दी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते शहरीकरण के बीच केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी ने एक नई तकनीक को विकसित किया है, जहां राजस्थान की एटमोस्फेयर के अंदर उच्च तकनीक को विकसित किया है, जिसमें जो अन्य जो प्रदेश हैं वहाँ के जो वेजिटेबल्स हैं उनको आप बिना मिट्टी और कम पानी की जरूरत के आधार पर भी अपने घर की छत या बालकनी में भी उसको उगा सकते हैं, और कॉस्टली जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको भी आप उगा सकते हैं। ये तकनीक को लेकर हम ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में है कृषि वैज्ञानिक काजरी के वैज्ञानिक सर। कौन सी तकनीक है और कितना लाभ मिलेगा इस? देखिए, इस तकनीक को हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, इसको सॉइललेस कल्चर से भी जाना जाता है। इस तकनीक की मुख्य विशेषता ये है कि इस तकनीक में हमको मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। ये जो पानी का सॉल्यूशन है वो जड़ों से निरंतर बहता रहता है और इसी से न्यूट्रिएंट और अपना ग्रोथ लेता है पौधा। ये तकनीक बहुत कारगर तकनीक है। इसको हम लोगों ने काजरी में अलग अलग लेवल पे आजमाया है। इसमें नई तकनीक के साथ साथ नए उपाय और नई चीज़ें भी हम लोगों ने डाली है, कौन सी किस्म यहाँ के लिए उपयुक्त है, किस तरह का वातावरण चाहिए और इसके अलावा इसमें कितनी हम यील्ड मैक्सिमम तक पहुँचा सकते हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ प्रयोग द्वारा देखी हैं और सफलतापूर्वक आजमाई हैं। और जहाँ तक बात है कि बढ़ता हुआ शहरीकरण, बदलती हुई खाद्य पद्धति और लोगों की आधुनिक सब्जियों की मांग, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ विकसित की गई है। और यहाँ के किसान, यहाँ के जो नव योजन है, जो एग्रीकल्चर में योगदान रखते हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए ये वरदान साबित होगी। सर, हाइड्रोपोनिक जो तकनीक है ये किसानों के लिए और आम जनता के लिए भी कितना फायदेमंद साबित होगी? देखिए, किसानों के लिए इसलिए फायदेमंद है कि जमीन का जो जोत का आकार है वो छोटा होता जा रहा है, पानी की उपलब्धता कम होती जा रही है और मोर ओवर जो भी पानी है उसकी क्वालिटी बहुत खराब है। तो ये तकनीक ऐसी है कि कम जगह में बेहतर उत्पाद, अधिकतम उत्पाद देती है, पानी की आवश्यकता इसमें कम लगती है, कम लागत में अधिकतम उत्पाद देने वाली ये तकनीक है। तो मेरे ख्याल से किसानों के लिए ये परिवर्तन बहुत सुखदायी और लाभप्रद है। हमारे साथ में एक कृषि के जानकार और हैं। सर, ये जो तकनीक है इसको लेकर जो काफी जो कॉस्टली वेजिटेबल्स होती हैं उसको भी आम जनता अपने घर के आंगन में या छत पे या बालकनी में उसको उगा सकती है, तो क्या लगता है जो कॉस्टली वेजिटेबल उससे व्यापार भी कर सकते हैं? बिल्कुल, व्यापार भी कर सकते हैं। पहले तो हम यही कहेंगे कि एक पैमाना है कि अगर 25% तक जो सब्जी की रिक्वायरमेंट है प्रति घर, वो अगर आप पूरा कर लेते हैं अपने स्वयं द्वारा उत्पादित करके अपने छत पर, बालकनी में या किचन गार्डन में, तो समझ लीजिए आपने 25% तक बहुत सारे रसायन, बहुत सारी चीज़ें हैं उनको अपने से दूर रखा। अगर ये 50% तक ले जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं। तो मेरा यही मानना है, अगर स्वयं भी जो शहरवासी है खासकर वो, या गाँव के लोग भी अगर जिनके पास पानी की कमी है, जमीन जोत कम है, जैसा कि सर ने बताया हमारे विभाग अध्यक्ष डॉक्टर धीरज सिंह सर ने अभी, और इसी को ध्यान में रख के ये तकनीक विकसित की गई है। पहले ये विदेशों में खासकर यूरोप और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि वहाँ पे लोग हेल्थ कंसर्न ज़्यादा हैं, क्योंकि जो सब्जियाँ इसके अंतर्गत हम उगाते हैं वो एक तो संरक्षित वातावरण में उगाते हैं, उसमें बाहर के धूल या पॉल्यूशन उन सब का प्रकोप कम होता है, कीड़े बीमारियां कम लगती हैं, तो उनको बचाव में उनमें आप जो पोषक तत्व के अलावा जो भी केमिकल और भी रसायन यूज करते हैं उनकी मात्रा काफ़ी इसमें कम हो जाती है, कभी कभी ना के बराबर रहती है। तो रही बात इसको कॉमर्शियल वे में अगर ले जाने के लिए, हाँ,
ये संभव है, क्योंकि अगर आप कम्युनिटी अप्रोच में जाएं, जैसे मान लीजिए कि आप एक सोसाइटी है, उसमें एक बड़ा सा आप फार्म एक छत पे टेरेस पे कोई भी सोसाइटी है बड़ी वो बनाती है, और उसको एक जितनी भी सोसाइटी के रहवासी हैं 200 250 400 परिवार उनमें वो जो है सेल कर सकते हैं। इसको लार्ज स्केल पे देखें तो शहर के आसपास में जो पेरी अर्बन एरिया है वहाँ पे ग्रीन हाउस बनाकर जिसको हम ठंडा गर्म कर सके, जैसे फैन एंड पैड ग्रीन हाउस है, उसके अंदर करके हम कम पानी में, क्योंकि यहाँ की हाइड्रोपोनिक्स और इसी का एक प्रारूप है एरोपोनिक्स, वो भी हमारे यहाँ है, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। लीफी वेजिटेबल, फ्रूट वेजिटेबल, वाइनी वेजिटेबल, अलग अलग सब्जियों पर हम लोग शोध कर रहे हैं और पोषक तत्व का घोल उनके लिए बना रहे हैं जो कि उनके लिए उचित है और उससे उनका उत्पादन अच्छा हो रहा है। तो इसका उपयोग करके जो भी किसान या नवयुवक वो शहर में या शहर के आसपास की जो जमीन है वहाँ पे कम पानी में कम जो है संसाधन में वो कर सकता है। शुरुआत की जो है लागत थोड़ा सा ज़्यादा आएगी एक बार सेटअप की, बट एक बार सेटअप लगाने के बाद ये 15 से 20 साल तक ये सेटअप काम करेगा और उससे जो है इनकम निकलती रहेगी। और शहर के अगर पास हैं तो शहर के पास से होने की वजह से रेस्टोरेंट होटल्स यहाँ पे सप्लाई सुनिश्चित करके वो अच्छी इनकम इसे अर्जित कर सकते हैं। तो रोजगार का भी एक जो है वो माध्यम बन सकता है। मैं मेरे सहयोगी को बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप देख सकते हैं जो कॉस्टली वेजिटेबल्स हैं वो भी जो है बिना मिट्टी और बिना पानी के यहाँ पर जो है प्रयोग किए जा रहे हैं, उनको उनके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है और काजरी की जो लगातार जो वैज्ञानिक हैं वो भी इनके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं जो प्लांट्स हैं छोटे छोटे जो विदेशी हैं, जो राजस्थान की गर्मी के अंदर भी जो है वो बर्फीले क्षेत्र के जो प्लांट्स हैं उनको भी यहाँ पर जो है वो उगाया जा रहा है, उसके ऊपर भी रिसर्च किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि ये रिसर्च जो है काजरी के द्वारा जो किया जा रहा है ये कितना कारगर साबित होता है। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार।